वालेकुम, आज के मेरे नए व्लॉग में खुश आमदीद। तो अभी सुबह के है ना 11 बज रहे हैं, सॉरी 10 मुँह से निकल गया। 11 बजने में है ना 4 मिनट है, मतलब 12 मिनट है 11 बजने में, समझे 11 ही बज रहे हैं। तो धूप अच्छी निकली हुई थी अभी फ़िलहाल, लास्ट तो वैसे भी हफ्ता है, आज हम कहीं जा तो नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने छत पर ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा धूप निकली है वरना फिर शाम में आके बनाती है ना 4 बजे या फिर 3 बजे, तो हवा चली होती बहुत है। अभी भी हवा चल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी है ना हवा थोड़ी कम चली है, थोड़ी थोड़ी सी चली है। धूप भी निकली हुई है, धूप भी लग जाएगी, सर्दी भी नहीं लगेगी, फिर मतलब जो गर्मा अंदर जो बॉडी के अंदर जो हमारे हर मूव मतलब ठंडे नहीं हो जाते, मतलब थोड़ा ठंड ठंड सा फिर हमें बॉडी में फील होता है, तो वो धूप से विटामिन डी की कमी पूरी जाती है और फिर उससे ना मतलब बॉडी में थोड़ा गर्म गर्माइश आ जाती है। हाँ व्यूअर्स, मुझे किसी ने कमेंट किया था अहमद अली के नाम से, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यही नाम था अहमद अली टीवी के नाम से, जो मेरी पिछली वीडियो है ना उस पर कमेंट आया था मेरे पास, तो उसने पहले हैप्पी फेस भेजा, तो मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया सही है, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया कमेंट बॉक्स में, कुछ भी मैंने ना रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद है ना मतलब है ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब क्या रिप्लाई करूँ हैप्पी फेस की जगह, तो फिर मैंने ना मैं सो गई, फिर मैं सुबह उठी ना तो मुझे उसी बंदे का ना एक और कमेंट आया, और मतलब मैंने देखा तो उसके अंदर लिखा बता आप कहाँ से हो, तो वैसे तो मैं कराची से हूँ ठीक है, मतलब जाहिर है कराची में रहती हूँ मैं, ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ना, मतलब मैं ये नहीं बता रही कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं कराची से हूँ, जैसे कि कोई होता है मुल्तान से, कोई होता है लाहौर से, इसलिए मैंने बता दिया कि आप किसी ने मेरे से पूछा था मतलब आप कहाँ से हो, तो मैं कराची से हूँ ठीक है। और आप सोच रहे होंगे अदनान क्यों नहीं आया, यार आज हफ्ता है लेकिन उसको है ना टैबलो की प्रैक्टिस करनी है तो वो स्कूल गया हुआ है। अनार इसलिए नहीं आ सका आज भी, मतलब यार अब इत्तेफाकन बात है कि अगर हम कहीं जाते तो ही अब अनार आता है, वरना कोई ना कोई मसला है, कभी वो है ना खेलने गया हुआ होता है दोस्तों के साथ, कभी है ना मैं उसे बुलाना भूल जाती हूँ, और कभी ये होता है कि मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और आज भी हुआ मैं मतलब कि मैं सोचा मैं उसको जाके बुला लेती हूँ, लेकिन हुआ क्या वो स्कूल गया हुआ है, उसको टैबलो की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आज उसको स्कूल बुलाया हुआ, खैर उसने बोला तो यही था वो स्कूल गया हुआ है। हो सकता है मैं आज शाम को भी व्लॉग अपलोड करूँ शायद, देखिए पक्का नहीं कर रही मैं, कभी फिर आप लोग मुझे बोलें तो इसलिए मैं पक्का कन्फर्म नहीं कर रही, पर जब मैंने कमेंट देखा ना मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब जितने भी मेरे पास कमेंट आए ना सारे मेरे मतलब जानने वाले मेरे दोस्तों के हैं और मेरे भाई और नान वगैरह के कमेंट्स हैं बस, बाकी किसी का भी मैंने ना कोई कमेंट देखा ही नहीं कोई नए बंदे का, ये अभी मुझे है ना फर्स्ट टाइम कमेंट आया था, लेकिन अनान को इससे पहले आ चुका है कमेंट किसी और का, मुझे दूसरे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मतलब दूसरे नहीं मतलब जानने वालों के मुझे कमेंट्स आए सारे, लेकिन ये एक वाहिद कमेंट है, मतलब पहला कमेंट है ये, तो मुझे जब पहला कमेंट देख के बहुत खुशी हुई। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी फजूल बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार आज कुछ भी नहीं है मेरे पास करने को, रोज़ यही बोलती हूँ मैं वैसे, खैर इतने दिनों बाद मैं छत पर आई, मतलब कल भी आई थी लेकिन अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, छत पर इतने गर्म गर्म सा लग रहा है मुझे, गर्म बोलती हवा चलना शुरू हो गई, वो देखिए झंडा इतना तेज़ हो गया, आई थिंक झंडा नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बेटे, यह बादलों का शेप जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है। अनान ने ना कल पबजी की वीडियो डाली थी, कल नहीं आई थिंक परसों डाली थी या कल डाली थी, मैं याद नहीं आ रहा, मैंने ना उतना सीन देखा जहाँ तक उसने ना व्लॉग बनाया था, मतलब शुरू में उसने व्लॉग से स्टार्ट किया था ना, तो जहाँ पर उसने व्लॉग बनाया था ना वहाँ तक मैंने देखा, लेकिन जब गेम शुरू हुआ ना मैंने हटा दिया, यार तब बेकार लगता है मुझे पबजी, उसने पबजी का ही उठा के डाल दिया। मैं ना नान के सारे व्लॉग्स देखे हैं, मतलब के वो जैसे ही अपलोड करते हैं मैं देखती हूँ, वो इतनी हंसी आई जो उसे अस्करी पार्क वाला बेचारे ने अपलोड किया, 3 मिनट का व्लॉग था या 4 मिनट का, मैं अभी याद नहीं आ रहा, मैंने देखा है पूरा देखा है, बेचारे की किस्मत इतनी ख़राब थी, सारे जितने भी झूले थे ना
18 साल से बड़े उम्र के बच्चे झूल सकते हैं, या तो 18 साल के, कम से कम 18 साल के हों, लाजमी था। तो यार उसके भाई जो है ना, उसने झूल लिया, ठीक है, उसने झूले झूले, और अन्नान ने बस एक ही झूले पर बैठा था, जो आपने देखा था गोल गोल नहीं घूम रहा था यार, इतनी हंसी आई थी, बच्चा वाला झूला लग रहा था, बस उसी पे वो गया। और लेकिन आई थिंक डॉजिंग कार में जाने देते, लेकिन वो नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं गया, शायद रश वश हो। और उस बेचारे को क्रिकेट एरिया में जाना था, क्रिकेट एरिया में भी नहीं जा सका, बट अब उसको जहाँ जाना था ना, जिस झूले पर बैठना था, वहाँ भी नहीं बैठ सका। वैसे अच्छा हुआ मैं नहीं गई, वरना है ना मैं भी नहीं मतलब कि बैठ पाती, क्योंकि मैं भी मतलब 18 की नहीं हूँ यार, ये बहुत बड़ी एज होती है, मैं बहुत बड़ी नहीं मतलब सॉरी बहुत बड़ी नहीं मतलब कि 18 साल की उम्र में कम से कम शनाख्ती कार्ड तो बन ही जाता है। तो यार अच्छा, तो अन्नान के साथ सच्ची में बहुत बुरा हुआ था, उसने वीडियो में भी सही लिखा था बिल्कुल, आप लोग कभी मत जाना, लेकिन अगर आप 18 साल के या इससे बड़े हो तो जाना ज़रूर। वो तो खौफनाक झूला था, ख़ास करके वो एक बॉल होती है साइडों पे ना, ऐसे लगता है रबर बैंड से बंधी हुई, सही है, फिर ना जब झूला स्टार्ट होता है ना, उसके अंदर शायद दो बंदे बैठ सकते हैं, हाँ आई थिंक सो, दो बंदे बैठ सकते हैं। फिर उस बॉल के अंदर ना अचानक से वो इतना से ऊपर जाती है, और साइडों की जो वो होती है ना रस्सी, ऐसा फील होता है जैसे वो टूट जाएंगी, इतना ऊँचा जाती है, बहुत ऊँचा जाती है वो, और फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, बहुत ख़तरनाक होती है यार। उसके अंदर वही बैठे जिसका दिल बहुत मजबूत है, वरना हार्ट अटैक आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। खैर अस्करी पार्क में ना एक झूला भी गिरा था, मैंने सुना था, मतलब न्यूज़ में बता रहे थे, टीवी में मैं देख रही थी ना, तो मुझे पता चला। अभी की बात नहीं करी, मतलब टाइम हो गया अब तो काफ़ी। यार उस वक्त भी मैंने इतना कोशिश की थी कि आपको सन है ना दिखा सकूं, लेकिन सन है ना नज़र ही नहीं आया वीडियो में, मैंने खुद वीडियो देखी, मुझे तो नज़र नहीं आया, मतलब ज़्यादा कोई पता नहीं चला कि सन बंद था या नहीं, पता नहीं सन क्यों नहीं आया नज़र से। बोलते बोलते गर्मी तेज़ हो रही है, मेरे स्वेटर भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अंदर को बस एक हाईनेक पहना हुआ, बहुत पतला वाला, वो बहुत पतला वाला। जहाज़ की आवाज़ आ रही है लेकिन शायद इनविजिबल है, नज़र नहीं आ रहा है। पता है जब मैं ना रॉकेट देखती हूँ ना, तो अच्छा लगता है, वो एक मतलब के पीछे से धुआं होता है ना इस तरह का, यूँ लाइन जा रही है, जितना अच्छा लगता है रॉकेट। यार तो मैं शायद है ना शाम को भी व्लॉग बना के अपलोड कर दूँ, खैर मुझे कुछ पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि है ना मैं अपलोड कर दूँ, मतलब कि शायद मैं ना दोबारा शाम को एक व्लॉग अपलोड, छत पे नहीं मतलब ऐसे ही किसी भी चीज़ का, आई थिंक गेम का नहीं यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे उसको एडिटिंग करने में ना, गेम वाले में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए गेम वाला नहीं शायद। यार नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी शायद, यार मुझे कुछ कन्फर्म पता नहीं है ना, मतलब मैं कोई प्लानिंग शेड्यूल नहीं है मेरा, जब दिल चाहे मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जो समझ आता है बोल देती हूँ और बस ख़त्म, और फिर चेक करती हूँ अपलोड कर देती हूँ बस। हमारे जितने भी व्लॉग्स हैं ना, मतलब हमारे नहीं मेरे अन्नान वाले जो व्लॉग्स हैं, वो एडिटिंग करके डालते हैं, मतलब आपने देखा होगा जब स्टार्ट होता है तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ये सब आता है लिखा हुआ, कभी कभार कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है लिखा हुआ, तो ये सब एडिटिंग का कमाल है, तो ये सारा है ना मतलब कि एडिटिंग की वजह से होता है, तो वो सब है ना एडिटिंग करके डाल देता है, और है ना मैं तो बिल्कुल सादा रखती हूँ यार, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरा मैं अपना टाइम बचाती हूँ, फिर पढ़ना भी होता है, सारे काम करने होते हैं, तो मैं टाइम बचाती हूँ, एडिटिंग नहीं करती, ऐसी ठोक देती हूँ, बस चेक करती हूँ जितनी देर का व्लॉग, देखिए 9 मिनट का हो गया, पता ही नहीं चला यार, मैं बस चेक करती हूँ सही लगेगा अपलोड, वरना डिलीट करके कोई दूसरा छोटा मोटा सा बना लेती हूँ, या मुझे लग रहा है सन इस साइड पर, हाँ आई थिंक सो, पता नहीं यार कैमरे मेरे क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो यार बहुत ज़्यादा 9:30 हो गए, मैं ना व्लॉग एंड कर रही हूँ, तो कमेंट करने का शुक्रिया, और आगे भी कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।